इसके अंदर। इसका ड्राइवर गायब है 5 महीनों से, 11 महीने से, 1 साल लगभग होने वाला है। और पुलिस जानबूझ के इनको तुम्हारी है। हमारे साथ में देवाराम जी सैन है, इनके बेटे ताराचंद गत 1 वर्ष से गायब है। वो डेगाना के विधायक विजयपाल मिर्धा के पास में 5 साल से ड्राइवर थे और वो उनके जयपुर के निवास पर उनके घर ही रहते थे, लेकिन वो लगभग 1 वर्ष से गायब है और कोई भी उनका पता नहीं चल रहा है। और इस मामले में विधायक के द्वारा किसी प्रकार की या उनके परिवार के द्वारा देवाराम जी की किसी प्रकार की मदद नहीं की गई, ना पुलिस उसका पता लगा रही है। कुचेरा थाने में उनकी रिपोर्ट 15 मई 2022 को वहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन कोई भी इसके बारे में पुलिस कुछ नहीं कर रही है। थक हार करके देवाराम जी को बंदी प्रतीक्षाकरण याचिका लगानी पड़ी हाईकोर्ट में, और तब पुलिस थोड़ी सक्रिय हुई है, लेकिन अभी भी कोई जांच नहीं हो रही है। और हमारी ये मांग है कि डेगाना के विधायक इस्तीफा दें और ये जाँच जो है इसकी CBI से जाँच होनी चाहिए, सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए, ये हमारी मांग है। इसके बाद में जल्दी से जल्दी आपकी एक शिष्टमंडल सर्व समाज का आज जो हम ज्ञापन दिया है, वो एक तो देवाराम जी ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति महोदय के नाम पर, उपराष्ट्रपति महोदय के नाम पर, प्रधानमंत्री जी के नाम पर, गृह मंत्री जी के नाम पर और मुख्यमंत्री जी के नाम पर। इसके अलावा सर्व समाज के द्वारा भी राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे करके ये हमारा आग्रह है कि इस प्रकरण की जांच जल्दी से जल्दी CBI से होए, ताकि सच्चाई सामने आए और जो भी इसमें दोषी है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई।